भाई दिन की शुरुआत ही बहुत बेकार हुई है क्योंकि बहुत बिजी लोग हैं आज। हम बहुत टेस्टी पैनकेक्स थे, ज्यादा ताज़ा हो गई क्योंकि ये पूरा जो है हमारा ग्रैंड स्लैम बर्थडे मील है। तो वैसे ड्रिंक ट्राई करने का टाइम आ चुका है, मेरा बर्थडे है तो क्या पता देंगे नहीं देंगे, लेट्स सी। फ्री क्योंकि फ्री वाली चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ता। हे गाइस, आज है मेरा बर्थडे और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि मैं जाने वाला हूँ सारे फ्रीबीज ट्राई करने जो कि आपको बर्थडे के दिन मिलते हैं। तो अगर आप फ्यूचर पे कनाडा आ रहे हो या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में और आपका बर्थडे आने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे फ्रीबीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको आपके बर्थडे के दिन मिलते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई करी थी यार इस टाइप की वीडियो बनाने का, लेकिन मेरा स्कूटर चोरी हो गया था साइडली मेरे बर्थडे के दिन, तो वो वीडियो मैं अच्छे से बना नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे रेस्टोरेंट सारे प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको फ्री में जो है बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आपका बर्थडे है। तो सबसे पहले जो है हम जा रहे हैं आईहॉप। आईहॉप के अंदर हमें पैनकेक्स का एक स्टैक जो है 5 पैनकेक्स का वो फ्री में मिलने वाला है। काफ़ी सारे गुडीज़ भी इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं तो उसके लिए भी जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब चलो जल्दी से आईहॉप चलते हैं। और भाई मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ जा रहा है भाई सरताज। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज सरताज एंड आई एम 10 इयर्स ओल्ड, ही इज माय कजिन। ओके, तो मेरे जो फैमिली फ्रेंड है उनका बेटा है और आज हम जो है सारी प्लेसेस ट्राई करने वाले हैं। जितनी भी जगह जो है हमें आज फ्री स्टफ मिल सकता है हम हर जगह जाएंगे। और मैं अकेला तो भाई क्योंकि इतनी सारी जगह है तो अकेले तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम दोनों ट्राई करेंगे कि सारी जगह जाएं जब तक जो है हमारा पेट नहीं भर जाता। और सफोरा पे भी मतलब अलग अलग जगह पे ना सिर्फ खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। हम जो है खड़े हैं अभी आईहॉप के बाहर, तो आईहॉप में चलते हैं और पैनकेक्स ट्राई करते हैं। तो भाई दिन की शुरुआत ही बहुत बेकार हुई है क्योंकि आईहॉप जहाँ पर हम आए हैं ना ये मेंटेनेंस पे अभी, तो ये 10 बजे खुलेगा, वैसे जल्दी खुल जाता है 7 बजे के आसपास खुल जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा बर्थडे है तो उन्होंने सोचा कि लेट खोलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्टारबक्स, स्टारबक्स की फ्री ड्रिंक ट्राई करने, उसके बाद हम पैनकेक्स से वापस आएंगे। ओके गाइज, तो हम आ चुके हैं स्टारबक्स में। स्टारबक्स का ये अम्ब्रेला देख सकते हो, ये रहा गाइज हमारा स्टारबक्स। और ड्रिंक का ऑर्डर मैंने आपसे प्लेस किया था जो कि ना थोड़ा कहना ऑकवर्ड लगता है कि भाई मेरा बर्थडे मुझे फ्री में खाने खिलाओ, तो इसलिए मैंने ऐप से ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी अंदर जाके देखते हैं। मैंने करी है चॉकलेट कुकी क्रम्बल वेंटी साइज जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है, और देखते हैं कितना बड़ा साइज होता है। और साथ में उसके बाद हम चलेंगे आई होप, तब तक आई होप खुल जाएगा तो बढ़िया। मैंने ये ड्रिंक जो है ले लिए, हमने स्प्लिट कर लिए 2 ग्लासेस में, और टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है, कुकी क्रम्बल है तो हिसाब से स्वीट है। और मैं वैसे ज़्यादा ना तुम्हें पता ही है थोड़ा जिम में जा रहा हूँ तो थोड़ा स्वीट कम ही लेता हूँ, लेकिन आज बर्थडे है तो चीट डे हो गया आज। तो यार हम तो स्टारबक्स की ड्रिंक्स लेके निकल गए आई होप के लिए क्योंकि कौन बैठ के वेट करे, हमें और भी बहुत सारी जगह जाने के लिए है, बहुत बिजी लोग हैं आज हम। तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि स्टारबक्स की फ्री ड्रिंक लेने के लिए ना तुम्हें इनके ऐप पे रजिस्टर करना है और साल में बस एक परचेज करनी है अपने बर्थडे से पहले, ठीक है? कभी भी एक परचेज कर लो और तुम्हें अपने बर्थडे के दिन फ्री में ही ऐप पे जो है कूपन आ जाएगा कि फ्री में कोई भी ड्रिंक या कोई भी आइटम ले लो। इसलिए हमने सबसे बड़ी ड्रिंक ली है और चलो अब चलते हैं, बस स्टॉप जा रहा हूँ वहाँ से आई होप चलेंगे और बस इन्जॉइंग द ड्रिंक्स। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आई होप पे 5 स्टैक्स पैनकेक खाने। अंदर जाते हैं ऑर्डर करते हैं, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में भी कैसे तुम ले सकते हो और कैसा टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली आवर फूड इज हियर। 5 पैनकेक्स थे तो हमने 2.5 कर लिए हैं, साथ में बटर है और सॉसेस हैं। गाइस आईहॉप से जो है पैनकेक्स खा लिए हैं, बहुत टेस्टी पैनकेक्स थे। इवन मुझे कोड दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने उनसे कहा मेरा बर्थडे है, उन्होंने मुझे जो है पैनकेक्स दे दिए। और जब मैंने उनसे कहा आई नीड टू रिडीम दिस कोड जो कि मुझे मिला था, तो उन्होंने कहा नो वरीज अबाउट दैट, बस पैनकेक खाओ और मजे करो। और जो है उसके बाद हम अब जा रहे हैं डाउन टाउन क्योंकि वैनकूवर डाउन टाउन क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट्स हम वहाँ पर कवर करेंगे। वैसे सही बताऊँ ना मैं ऑलरेडी फुल हो चुका हूँ, व्हाट अबाउट यू? बहुत मुश्किल से खाए भाई पैनकेक स्टारबक्स से, जो कि वेंटी हमने ड्रिंक ले ली थी उसके बाद पैनकेक्स,
पैनकेक से लिए करना है तुम्हें आई होप की वेबसाइट पे जाके ना रजिस्टर करना है, और तुम्हारे तुम्हारे बर्थडे के मंथ में ना अपने आप तुम्हारे पैन कॉइन्स करके होता है इनकी एक करेंसी, वो आ जाती है, और उस करेंसी से तुम जो है पैनकेक्स खरीद सकते हो फ्री में ऑब्वियसली। तो वो हमने करे और अब हम जा रहे हैं डाउन टाउन। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं डाउन टाउन में, देख सकते हो, और अब हम जा रहे हैं डेनीज में। ऑल्दो अभी भी थोड़ा बहुत जो है पेट भरा ही हुआ है, लेकिन डेनीज में ट्राई करेंगे, थोड़ा बैठेंगे आराम से और इन्जॉय करेंगे मील। उसके बाद जो है इतनी सारी जगह, मेरा 13 जगह मैंने फाइनलाइज कर रखी हुई थी इस लिस्ट के लिए कि 13 जगह मैं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है 4-5 से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे, तो बाकी सारी एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन जो मेन मेन आइटम्स है ना वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर लूँ। बाकी जो नहीं हो पाएंगे उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम अपने बर्थडे पे वो चीज़ कर पाओ लेकिन जो है एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं डेनीज पे डाउनटाउन में, और इसके बाद आगे बहुत सारे प्लान हैं। सो गाइस फाइनली हम आ गए थे डेनीज पे, और यादें ताज़ा हो गई क्योंकि लास्ट ईयर ना जब अपने बर्थडे पे मैं यहाँ पे आया था और मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से चोरी हुआ था। तो ये रहा यार डेनीज, ठीक है, मैंने स्कूटर लगाया था यहाँ पे, इस पोल के साथ अटैच करा था, और मैं ना यार इस सीट पे बैठा था, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता कस्टमर बैठे हुए हैं, लेकिन इस यहाँ पे विंडो के यहीं पे बैठा था, और मैं देख रहा था बाहर मेरा स्कूटर लगा था, अचानक से मेरी नज़र गई और देखा स्कूटर था ही नहीं। तो ये एक रीज़न है इसलिए इस बार मैं स्कूटर लेके नहीं आया, पहली यार $1500 का नुकसान हो चुका था लास्ट ईयर मेरे बर्थडे के दिन, होपफुली इस बार कोई नुकसान ना हो। अब हम फिर से जा रहे हैं डेनीज में क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एंजॉय भी नहीं कर पाता यार अच्छे से, तो इस बार हम डेनीज में आके अच्छे से पूरा ग्रैंड स्लैम एंजॉय करेंगे, लेट्स गो। भाई डेनीज में बैठ गए थे, ऑफर भी दिखा दिया है, ऑफर हो चुका सक्सेसफुली रिडीम, और ये देखो देखो भाई यहाँ पे कलर बुक भी मिली और क्रेयॉन्स भी मिले हैं सही चीज़ है यार। सो गाइस फाइनली खाना आ चुका है, दो पैनकेक्स आए हैं, दो सॉसेजेस आए हैं, दो बेकन स्ट्रिप्स आई हैं, और साथ में दो एग्स आए हैं। ये पूरा जो है हमारा ग्रैंड स्लैम बर्थडे मील है, और अब इसको फिनिश करते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस डेनीज से भी खा के आ चुके हैं, तुमने देख लिया बहुत ही प्यारा ब्रेकफास्ट था, आई होप मैं सिर्फ पैनकेक्स से, लेकिन यहाँ पे पैनकेक्स के साथ जो है सॉसेज भी था, बेकन भी था, और एग्स भी थे, तो पूरा एक ग्रैंड स्लैम ब्रेकफास्ट था। और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो मैंने इनको कूपन दिया था ना, कूपन चलता ही नहीं कैनेडा में, लेकिन अगर आपके पास एक आईडी है ना, आईडी लेकिन उनके पास चले अपने बर्थडे पे, और वो आपको फ्री ग्रैंड स्लैम दे ही देंगे, तो आपको कहीं रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लो तो ज़्यादा बड़ी क्योंकि आपके पास ईमेल आ जाएगा बर्थडे का, तो वो आप उनको दिखा सकते हो, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के भी जाओगे तो वो दे ही देते हैं, बाकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था। नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन होने वाली है वो होने वाली है रेड रॉबिन, जहाँ पे हम एक बर्गर लेने वाले हैं, तो वहाँ पे मिलकर आपको बताऊँगा, और लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रेड रॉबिन्स में, बहुत ही बढ़िया वाइब यार इस रेस्टोरेंट की ना, मैं लास्ट टाइम भी आया था बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे भी हमारी बात हो चुकी है, ये रहा हमारा मेन्यू, और एक बर्गर सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि एक बर्गर फ्री है, तो लेट्स ट्राई। यहाँ का बर्गर लास्ट टाइम भी बढ़िया था, तो इसको होपफुली इस बार भी बढ़िया ही होगा, और चिकन बर्गर मंगाया है। तो गाइस ये ड्रिंक जो है ना हमें खरीदनी पड़ी क्योंकि एक कंडीशन थी कि हम $5 हमें मिनिमम स्पेंड करने, तो ये 4.99 की ड्रिंक थी। तो गाइस अब ड्रिंक ट्राई करने का टाइम आ चुका है, ड्रिंक बहुत बढ़िया है, आई थिंक इट इज डेफिनेटली वर्थ $5, क्योंकि क्वांटिटी बढ़िया है, और इंग्रेडिएंट्स देखो तुम, ऊपर जो है मैंगो भी है, लेमन भी है, और इवन स्ट्रॉबेरी भी है, तो रियल फ्रूट से बनी हुई ड्रिंक है, $5 की तो है यार, बढ़िया है। नाउ ट्राई द ड्रिंक, या गुड। सो गाइस फाइनली हमारा बर्गर आ चुका है, ये रहे हमारे फ्राइज, ये रहा हमारा बर्गर, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, तुम खुद देखो, और अभी सब खा के इसका टेस्ट भी करेंगे, लेट्स ट्राई। अब ट्राई करते हैं गाइस बर्गर, बढ़िया फ्लेवर्स हैं, अभी स्पाइसी है, बढ़िया फ्लेवर्स हैं, क्वालिटी बर्गर है सही, मतलब मज़ा आया खा के। और फिर कंप्लीट करते हैं, फ्राइज भी हैं, फ्राइज नॉर्मल टाइप के हैं, तो वही बढ़िया है, लेट्स ईट इट। हाउ इज इट,
बाय द वे रेड रॉबिन्स पे ना $5 की मिनिमम परचेज मैंडेटरी थी अगर तुमको फ्री वाला बर्गर चाहिए, और फ्री बर्गर के लिए तुम्हें बस ऐप पे रजिस्टर करना था, तो वो भी कर लेना अगर तुम कनाडा में हो तो, और $5 तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो मेरा अराउंड $6-6.5 का बिल बना था आफ्टर टैक्सेस, तो वो मैंने पे करे। अब सफूरा चलते हैं। सो गाइस फाइनली रेड रॉबिन से भी आ गए थे और मुझे ना एक सफूरा का भी ऑफर मिला था। सफूरा एक्चुअली एक ब्यूटी ब्रांड है, तो मुझे तो कुछ करना ही, लेकिन अब फ्री ऑफर था, मैं सोचा कि रिडीम करा लेते हैं। तो एक ब्यूटी किट मिलेगी, देखते हैं क्या मिलता, मिलता भी या नहीं मिलता। अभी मैं जाके अंदर स्टोर है यहाँ पे, देखो ये सफूरा, यहाँ जाके पूछूंगा कि मेरा बर्थडे है, क्या पता देंगे नहीं देंगे, लेट्स सी। आ गए गाइस सफूरा में, गाइस फाइनली मिल चुका है। जितना सोचा था उससे थोड़ा छोटा ही है, लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट फ्री है तो ठीक है उस हिसाब से। तो सो बेसिकली यार 3 ऑप्शंस थे सेफोरा के अंदर गिफ्ट लेने के, तो उसमें से मैंने ये ग्लो रेसिपी करके था, वाटरमेलन ग्लो रेसिपी, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स आए गैस, तो वो मैंने परचेज़ करा है। फोटो में तो बहुत बड़ा लग रहा था, पता नहीं कितनी बड़ी बोतल आएंगी, लेकिन छोटा सा ही है, मेरे हाथ से भी छोटा है। तो लेकिन कोई नहीं, फ्री की चीज़ है तो ले जाते हैं, किसी को दे दूंगा, मुझे तो क्या यूज़ करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, टोनर वोनर है कुछ, तो इसको जेब में रख के अब हम वापस करते थे, क्योंकि और कुछ खाने का मन है नहीं, बहुत ज़्यादा जो है पेट भर चुका है। हम लिटरली सिर्फ 4 जगह पे गए हैं और 5th ये मेरा गिफ्ट था आउट ऑफ 13 प्लेसेस। बाकी जितनी प्लेस होंगी उसके मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डाल दूंगा कि और कहाँ कहाँ तुम जो है फ्री चीज़ें रिडीम कर सकते हो। बाकी अभी हम घर चलते हैं यार, और जब मन नहीं कर रहा। व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट? लेट्स गो अपस्टेयर्स गाइस। तो गाइस फाइनली हम सरी वापस आ चुके हैं। एक सब्वे से ना कुकी और ले ली थी, क्योंकि रुका नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि कुकी फ्री मिल रही है वो भी ले लेते हैं, तो वो भी हमने पकड़ ली बीच रास्ते से। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करी। तो इस वीडियो में से इतना ही, बाकी अब मैं जो है घर जा रहा हूँ, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे कनाडा से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, यहाँ पे वीडियो आपको दिख रही होगी 1 day इन माय लाइफ, और दूसरी वीडियो दिख रही होगी हाउ टू गेट एन iPhone 14 फॉर फ्री, क्योंकि फ्री वाली चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, अगर अभी तक नहीं करा तो ID आ रही होगी, यहाँ पे मेंशन हो रही होगी। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ, और हैप्पी बर्थडे भी लिख देना यार कमेंट्स में, ठीक है? ओके बाय।